पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग पक्षवत, जो पैरालिसिस होता है, पक्षवत मतलब एक जो पक्ष होता है वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाता है। पक्षवध, वध मतलब है कि वो काम जो क्रियाशीलता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो पक्षवध में हमें आयुर्वेद में किस तरह से सोचना चाहिए, क्या क्या हेतु, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि हेतु का बहुत ज्यादा महत्व रहता है आयुर्वेद की चिकित्सा में। जब भी पेशेंट हमारे पास पैरालिसिस या पक्षवत के पेशेंट आते हैं तो केवल हम लोग उसको पैरालिसिस समझ के नहीं करते हैं, हर हेतु का हिसाब से चिकित्सा बदल जाती है। और ये एकदम छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें हैं, यह आप लोगों को मालूम होगा और तब भी मैं इसको अच्छे से बता रहा हूँ। क्योंकि ना केवल पैरालिसिस का पेशेंट आया है, उसका एक हाथ एक पैर काम नहीं कर रहा है, तो हम केवल उसमें चार पांच दवाइयाँ जैसे एकांगी रस, फिर उसके बाद में रसराज रस, महावाद विध्वंसक रस, महायुग रस, गुल, ऐसे अगर देंगे तो पेशेंट नहीं ठीक होगा। हमें हेतु और अंशांश कल्पना से सब समझना पड़ता है, यह सब क्या है, किस तरह से हमारे गुरुजी लोगों ने हमें सिखाया है, वह मैं आप लोगों को आपके सामने मैं सब प्रस्तुत कर रहा हूं, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। मैं जो भी बता रहा हूं अपने आदरणीय गुरुजी के नोट से बता रहा हूं, इसको हम फॉलो करते हैं। हमारे किताबों में तो सब लिखा हुआ है, लेकिन हमारे सर के पास इसलिए जाते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। तो गुरु जो रहते हैं वो हर चीज को और इजी करके बता देते हैं। तो मेरे जो गुरुजी ने जो मुझे सिखाया है वह मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। पक्षवत के जब भी पेशेंट आते हैं ना, तो हमें पहले तो यह देखना चाहिए कि इसमें शुद्ध वात का संबंध है कि नहीं है, मतलब प्योर उसमें वायु का संयोग होके पक्षवत हुआ है कि नहीं है। और दूसरा जो रहता है वो पक्षवत जो रहता है वो वात का संबंध डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट वे में होता है। एक डायरेक्ट संबंध होता है वायु का, और दूसरा है इनडायरेक्ट वे में वायु का संबंध होता है। तो अब हेतु हम अगर देखते हैं तो इसमें पक्षवत होने के हेतु क्या क्या होते हैं, और चिकित्सा भी फिर चेंज हो जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोग इस बेसिक चीज को समझ लिए तो आपको चिकित्सा करना आसान हो जाएगा। एक होता है हेतु एकांग सन्निपात, मतलब तीनों दोषों का प्रकोप हो गया और एक अंग में हो गया, सन्निपात वात पित्त कफ तीनों प्रकोपित हुए हैं और एकांग सन्निपात हुआ। उसमें ज्वर का भी इतिहास हो सकता है कि सन्निपात ज्वर हुआ है और उसके वजह से सन्निपात हुआ, या फिर उसमें वायु का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। तो एकांग सन्निपात, एक अंग सन्निपात, ये एक पहला हेतु है। दूसरा होता है अभिघात, कहीं ना कहीं चोट लग जाती है, इंजुरी हो जाता है और उसके वजह से पक्षवत हो जाता है। बहुत सारा आप लोगों ने देखा होगा कि लोग हाईवे पे जा रहे होते हैं और वहां पे मतलब स्पीड का कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है तो यहाँ पर लोग जाते हैं ना तो एकदम फुल स्पीड में जाते हैं, फुल स्पीड में, और उसके वजह से फिर जो घाट लगता है मतलब वो पहाड़ों के बीच से जब जाते हैं ना तो वहां पर भी वही स्पीड रहता है और उनको जजमेंट नहीं रहता है कि कितना स्पीड रखना है, और फिर वहां पे एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ियां टकरा जाती हैं या खाई में गिर जाती हैं और उसके वजह से इंजुरी हो जाती है। और वह पेशेंट का जो स्पाइनल नर्व है वह अपर मोटर न्यूरॉन्स या लोअर मोटर न्यूरॉन्स, इसमें इंजुरी हो जाती है और उसके वजह से पक्षवत हो जाता है। एक हाथ एक पैर काम नहीं कर पाता है, या दोनों पैर नहीं काम करते हैं, या एक पैर काम नहीं करता है, या दोनों हाथ दोनों पैर नहीं काम करते हैं। तो अभिघात होना यह भी पक्षवत का एक हेतु है, इसको हमेशा ध्यान में रखिए। और फिर तीसरा है कि सिर में गांठ होना, गांठ मतलब हिमरेजिक जो ये हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, रक्तवाहिनी फूट जाती है और उसके वजह से गांठ हो गया, वह हो जाता है। और इसी के पैरेलल एक होता है कि जो ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर मतलब कि मैलिग्नेंट भी हो सकता है, मिंडाइंग भी हो सकता है, ग्लियोमा टाइप हो सकता है, और उसके वजह से ब्रेन की एक्टिविटी अच्छे से नहीं हो पा रही है और उसके वजह से पैरालाइज्ड हो गया है, तो यह भी एक हेतु रहता है। और दूसरा मैंने जो रक्तवाहिनी फूटने की वजह से क्लॉट बताया, वह तो कॉमनली देखा ही जाता है, रक्तवाहिनी पड़ जाती है, हिमरेजिक ऐसे पैथोलॉजी होती है, रक्तवाहिनी हाई बीपी की वजह से रक्तवाहिनी पे इतना प्रेशर आता है, इतना प्रेशर आता है कि रक्तवाहिनी पड़ जाती है और उसके वजह से पैरालिसिस हो जाता है। उसी तरह से वातज कास, खांसी है ना, बहुत खांसी आती है और वह पक्षवत का एक हेतु रहता है। खांसी इतनी ज्यादा आती है, इतनी भयंकर आती है और उसके वजह से यह एक हेतु रहता है और वह पक्षवत का एक कारण रहता है। और फिर है ज्वर, अगर मेनिंजाइटिस हो गया, एनसेफेलाइटिस हो गया, मेनिंजल फीवर हो गया, ज्वर जो रहता है सिर पे चढ़ गया, उसके वजह से पक्षवत हो सकता है। तो ये सारे मेन मेन हेतु रहते हैं, उसका विचार करना चाहिए। जब पक्षवत हो जाता है तो अगर हम सिम्टम्स देखते हैं, पूरे लक्षण देखते हैं, तो लक्षणों के हिसाब से इसका इफेक्ट कहाँ पे आता है, तो सिराओं पे आता है, मतलब वेन्स पे आता है, स्नायु पे आता है, वेन्स और ये आर्टरीज पे आता है, सिरा मतलब आर्टरीज वेन्स दोनों को लिया जाएगा, और स्नायु पे आता है और कंडरा पे आता है, टेंडन्स और लिगामेंट्स पे आते हैं क्योंकि वही लूज हो जाते हैं। तो फिर हम लोग और ध्यान से देखते हैं तो शुश्रुत संहिता में शारीर स्थान में
डल्हनाचार्य जी ने भी बोला है, शुश्रुताचार्य जी ने भी बोला है कि रक्त के मृदु पाक से शिराएं बनती हैं, रक्त के खर पाक से स्नायु और कंडरा बनती है। मतलब इसमें कंडरा और सिरा और स्नायु इनका इन्वॉल्वमेंट है, तो रक्त का हमें जरूर विचार करना चाहिए। आगे हम लोग और देखते हैं तो वात पित्त संप्राप्ति जब रहती है, मतलब वात और पित्त इसका इन्वॉल्वमेंट अगर रहता है और पक्षवत हो गया, तो उसके वजह से वायु के वजह से अवयव सूखने लगते हैं। जैसे मुझे अगर लेफ्ट साइड में अगर पैरालिसिस हो गया तो मेरा एक अंग सूख जाएगा पूरा वायु के वजह से, और अगर टच करेंगे तो उष्ण स्पर्श लगेगा। तो यह हो गया वात पित्त संप्राप्ति वाला पक्षवत, क्योंकि उस पित्त की वजह से उष्णता लग रही है, गर्मी लग रही है, और सूखना जो शोष है, रुक्षता है, और स्तंभ है, स्टिफनेस है, वह सब जो है हाथ उठा नहीं पा रहे हैं, ड्राइनेस आ गया, तो यह वायु की वजह से। अगर वात कफ संप्राप्ति रहती है तो आप देखिए कि उसमें मृदुपना रहेगा, मतलब लूज रहेगा, पूरा मृदु हो जाएगा, शैथिल्यता आएगी, लूज पड़ जाएगा बहुत ज्यादा, और अगर हम स्पर्श करेंगे पूरा अंग को तो ठंडा स्पर्श लगेगा। तो यहाँ पे वात और कफ संप्राप्ति है, यहाँ पर पित्त नहीं, पित्त में उष्ण स्पर्श है, यहाँ पर मृदुपना है, शिथिलता है और ठंडा स्पर्श होता है। अगर शुद्ध वायु का है वहां इन्वॉल्वमेंट और पक्षवत हो गया है, एक साइड में हाथ पैर काम नहीं कर रहा है और पैरालिसिस हो गया है, तो वहां पे संधि ग्रह ज्वाइंट है वह मोड़ नहीं पाएंगे, वह पूरी तरह से स्टिफ हो जाएंगे। ग्रह होना मतलब वहां पे कुछ भी मूवमेंट नहीं हो पाता है, फिर काले रंग के पूरा शरीर काला रंग का पड़ जाएगा। तो यह शुद्ध वायु की वजह से होता है। यहाँ पर आप उष्ण स्पर्श नहीं रहेगा, ठंडा स्पर्श नहीं रहेगा, नॉर्मली टेम्परेचर रहेगा, मेन संधि ग्रह और कृष्ण वर्ण्यता काला रंग ऐसा आ जाता है। तो हमारे हम लोग ये बेसिक बेसिक चीजें मैंने बता दिया, ग्रंथों वाला तो मैं बताता ही हूँ कि ग्रंथों में क्या लिखा है, लेकिन इस दृष्टिकोण से प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अप्लाइड से हमें देखना चाहिए कि हमें क्या करना है। पक्षवत का जब पेशेंट आता है और उसको अटैक आया है, जब उसकी वेगावस्था आई है कि वो उसको अटैक आया है, बीपी बहुत ज्यादा शूट हो गया है, और पित्त के काल में या वायु के काल में उसका ये अटैक आ रहा है और वो पैरालाइज हो रहा है। आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा जो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का था, जो गुरु मूवी बना था, वो धीरू भाई अंबानी का उन्होंने रोल किया था, और वो कोर्ट में बोलते बोलते उसको भी पैरालिसिस हो गया। तो मतलब उस टाइम पे जब अटैक का जो टाइम आता है, वो जब मतलब बहुत ज्यादा उस टाइम पे जो रिफ्लेक्सेस आने लगते हैं और बहुत ज्यादा मतलब वो वेगावस्था जो बोलते हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है कि बात प्रकृति का अगर इंसान है तो हमें समीर पन्नग्रस को चाटन के लिए देना चाहिए। समीर पन्नग्रस अगर पित्त प्रकृति का है पेशेंट, उसको हमें देख के जजमेंट आ जाता है। अभी आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जजमेंट आ जाता है कि पित्त प्रकृति की बात प्रकृति है। तो पित्त प्रकृति वाला अगर पेशेंट है तो स्वर्ण शुद्धशेखर को लेना है, चाटन भी करना है, और इसका प्रथमन्नस्य मतलब उसको पाउडर बना के और नाक के पास ले जाके फूक मार दीजिए, प्रथमन्नस्य देना है स्वर्ण शुद्धशेखर का। वातज अगर प्रकृति है, वातला प्रकृति है, तो समीर पन्नग्रस का देना है, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पूरा शरीर में जब वेगावस्था है तो कपड़े निकाल के सरसों का तेल से मर्दन करना चाहिए, और संज्ञा स्थापन गण के जो द्रव्य है जैसे बचा है, हींग है, ज्योतिषमती है, सरसों है, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जो संज्ञा स्थापन गण में बताए हैं, उसमें से देखिए आप लोग के क्या क्या अवेलेबल है। हींग तो कहीं पर भी रहता है, सबके घर में हींग रहता है, बचा रहता है, तो संज्ञा स्थापन गण के द्रव्यों से मिक्स करके और उसको सरसों के तेल में मिक्स करके और पूरा बॉडी में लगा देना चाहिए, तो इससे उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है। उसके बाद में थोड़ा पेशेंट स्टेबल हो जाए तब आपको मृदु विरेचन देना है। तो मृदु विरेचन के लिए आप त्रिफला गुगुल दे दीजिए, एरंड तेल दे दीजिए, या फिर मनुक्का दे दीजिए, किशमिश जो होता है वो पानी में भिगो के और उसको खाने के लिए दीजिए। मृदु विरेचन देना है, स्ट्रांग नहीं देना है, मृदु विरेचन देना है। उसके बाद में क्या करना है कि सिर पे जो बर्फ का, जो बर्फ डाल के एक पिशवी बनता है मतलब कोल्ड बैग, उसका उससे सेकना है सिर पे, ताकि जो प्रेशर बढ़ा है बीपी का वह प्रेशर थोड़ा कम हो जाए। या फिर गर्म पानी का जो हॉट वाटर बैग है उससे सेकना है, या तो आप ठंडा से सेके या गर्म से सेके, दोनों नहीं करना है एक साथ में, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन होगा। या तो ठंडे बर्फ के पानी से सेके, या बर्फ का पानी ऊपर सिर पे रख दीजिए, या बर्फ रख दीजिए तो उससे दिमाग शांत हो जाता है, या गर्म पानी से सेकिए उससे भी सेंसेशन आ जाता है, पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है। उसके बाद में अगर दूसरा कंडीशन, दूसरा हेतु मैं बता रहा हूँ, पहला तो मैंने वेगावस्था का बता दिया, दूसरा हेतु है कि मन पे आघात हो गया है, मतलब किसी ने कुछ ऐसी बात सुनी जो उसको बर्दाश्त नहीं हो रही है, मेंटली डिस्टर्ब हो गया, मेंटली शॉक की अवस्था हो गई, और उसके वजह से उसको बहुत माइंड डिस्टर्ब होके उसको पैरालिसिस हो गया,
मेरे पास एक पेशेंट आए थे जिनको ना बहुत ज्यादा क्रोध आया था अपनी वाइफ पे और उनकी मम्मी पे। कुछ ऐसी बात हो गई थी जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और 1 घंटा वो गुस्से में थे। 1 घंटा उनकी आंखें लाल लाल हो गई और वो डांटते रहे थे। इतना उनको गुस्सा है, इतना गुस्सा आया, और उनको फिर पैरालिसिस का अटैक ही आ गया पूरा, और फिर वो पूरा पैरालाइज हो गए। ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है? तो चतुर्भुज रस करके एक गोली आती है, उसके बारे में मैंने पढ़ा है आयुष दर्पण पे यूट्यूब चैनल पे। तो उसको एक एक रत्ती, एक एक गोली सुबह शाम देना है, चतुर्भुज रस, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और यह अनुभव से जो हमारे सर लोगों ने सिखाया वो मैं बता रहा हूँ, मैंने भी अपने प्रैक्टिस में किया है। जब पेशेंट का फोन आता है कि हम क्या करें, तो मैं बोलता हूँ मार्केट से लेके आइए चतुर्भुज रस, एक एक गोली सुबह शाम दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पारसी की अबानी जो रहता है, पारसी की अबानी और जटामानसी को फांट बनाना है। 1 गिलास गर्म पानी करिए और उसमें पारसी की अबानी है वो 1 चम्मच डालिए और जटामानसी 1 चम्मच डालिए, और यह रात को देना है, सोते टाइम देना है। इससे दिमाग शांत हो जाता है, माइंड जो बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रहा है, व्याकुलता है, क्रोध है, डिप्रेशन है, वह कम हो जाता है। तो पारसी की अबानी और जटामानसी का फांट रात में देना है, और चतुर्भुज रस एक एक गोली सुबह शाम सब लिंगुअली चूसने के लिए दीजिए। पेशेंट को ना बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। इसके बाद तीसरा कंडीशन है जब वात कफ संप्राप्ति है। वात कफ संप्राप्ति में क्या है कि पेशेंट का एक अवयव जो है वह शुष्क भी हो गया है और ऐसे टच करने पे ठंडा भी लग रहा है, ऐसे में पैरालिसिस हो गया है, हमें वात कफ संप्राप्ति से वो पेशेंट दिख रहा है। तो हमें क्या करना है कि समीर पन्नग रस को 500 mg मतलब 4 रत्ती के मात्रा में तुलसी के रस के साथ चाटन कराना है सुबह और शाम। उसी तरह से महायोगराज गुगुल, रासनादि गुगुल या रासना क्वाथ के साथ देना है महायोगराज गुगुल को, और वह भी वात के काल में। वात का काल कौन सा रहता है? तो जो 2 से 6 बजे का जो टाइम रहता है, सुबह का टाइम जो रहता है 2 से 6 बजे का, और शाम का जो 2 से 6 बजे का जो टाइम रहता है 2 PM to 6 PM, ये वायु का काल रहता है। और ये वायु का काल रहता है, हाँ बराबर। और सुबह का भी जो रहता है 2 से 6 बजे तक, ये वायु का काल रहता है। जो प्रथम अवस्था मतलब सूर्योदय के बाद का जो रहता है 6 से 10 बजे तक कफ का काल रहता है, और 10 से 2 बजे तक पित्त का काल रहता है, और अंत में जो दिन का अंत जो रहता है या रात्रि का अंत जो होता है 2 से 6 बजे का, वो वायु का काल रहता है। तो उस टाइम पे हमें महायोगराज गुगुल और रासनादि क्वाथ या रासना गुगुल देना चाहिए। रासनादि क्वाथ के साथ अनुपान के साथ महायोगराज गुगुल तो रासना गुगुल दिया तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से भल्लातक का जो बीज है उसके बीज को काट के, और 3 गिलास उसके बीज को काट के कूट के और उसका मतलब पेस्ट जैसा बना के या पाउडर जैसा बना के, और 3 गिलास दूध के साथ और 3 गिलास पानी इसके साथ उबालना है। उबालने के बाद जब दूध रह जाए तो उसको उसमें चीनी और घी डाल के सुबह शाम पिलाना है। यह वात कफ संप्राप्ति में है, पित्त संप्राप्ति में बिल्कुल नहीं देना, नहीं तो उसको पित्त बढ़ेगा और संप्राप्ति और बढ़ जाएगी। वात कफ संप्राप्ति में भल्लातक का शीर्पाक देना है, 3 भल्लातक का बीज लेना है, उसको कूट के और 3 गिलास पानी 3 गिलास दूध उसको डाल के उबालना है, और वह फिर उसको ना दूध रहने तक रखना है, और उसमें चीनी और उसके बाद में चीनी और घी यह डाल दे। अगर सबसे अच्छा है 3 गिलास अगर नहीं पिया जाए तो उसको उबालते रहे उबालते रहे। और खोआ टाइप जो रहता है, जो हम लोग जैसे मिठाई बनाते हैं खवा जो बोलते हैं, उस टाइप पे बनाना है और उसका प्रयोग करना है, तो वह और ज्यादा अच्छा काम करता है। भल्लातक का उससे बनाया हुआ जो मिठाई टाइप जो खवा रहता है उसका प्रयोग करना है, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से एक नागवल्लभ रस होता है, वह अगर बहुत पुराना है प्रॉब्लम और वात कफ संप्राप्ति की वजह से है, तो नागवल्लभ रस एक एक गोली सुबह शाम अदरक का रस और मधु के साथ चाटन करने के लिए देना है, तो उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से अगर सिफिलिस का पेशेंट है या गोनोरिया हुआ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और उसका इन्फेक्शन की वजह से फिरंग या उपदंश की वजह से पक्षवध हो गए, वो कीटाणु जाके और वो इन्फेक्शन होके और उसके वजह से पैरालिसिस हुआ है, तो उसमें गोक्षुरादि गुगुल को 2-2 गोली सुबह शाम देना है। फिर उसके बाद में लघु मंजिष्ठादि क्वाथ, रासनादि क्वाथ का प्रयोग करना है। अष्टमूर्ति रसायन करके एक दवाई आता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, दिया भी होगा। अष्टमूर्ति रसायन को खाने के पहले सुबह दूध और मतलब घी और चीनी के साथ वो दे के फिर दूध पिला देना है। इसके बाद में एरंड तेल रात्रि में देना है। उसी तरह से व्याधि हरण रसायन, उपदंश सूर्य रस, ये सब बहुत अच्छा काम करते हैं। उसी तरह से शतावरी सिद्ध तेल का पिचू को ऐसे करके और सिर पे रखना है। मैं जो भी चिकित्सा बता रहा हूँ सामान्य चिकित्सा बता रहा हूँ, विशेष चिकित्सा पेशेंट टू पेशेंट थोड़ा चेंज होता है। तो शतावरी सिद्ध तेल का पिचू रखना है, इसको रखने से उपदंश जन्य या फिरंग के वजह से जो
पक्षवध होता है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर कफज संप्राप्ति, शुद्ध कफ की संप्राप्ति लग रही है, पक्षवध में कफज प्रमेय है, मतलब आप लोगों ने प्रमेय पढ़े हैं, 10 टाइप के प्रमेय होते हैं कफज वाले, उसमें आलाल में, इक्षु में, इक्षुवालिका में, सांद्र में, सांद्र प्रसाद में, ऐसे जो 10 टाइप के पक्षवध है उसके सिम्टम्स हैं, और पैरालिसिस हुआ है उसमें, बीपी भी है और कफज प्रमेय है, अविल मुद्रता, बहुमुद्रता कफ के वजह से हो रहा है, तो इसमें आम का पचन करके पूरा दीपन पाचन करना है। आम का पचन करने के लिए आप आरोग्य वर्धनी वटी दीजिए, या फिर आम पाचक वटी दीजिए, या फिर सुशेखा रस दीजिए, जो भी किसी भी अजमोदादि चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, फिर उसके बाद में बहुत सारे दवाइयाँ, अजमोदादि चूर्ण, आम पाचन वटी, इस तरह से दे के, और उसके बाद में विरेचन देना श्रेष्ठ रहता है। विरेचन देने से पेशेंट को काफी हद तक रिलीफ मिलता है। दाढ़ीमाष्टक चूर्ण है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, लवण भास्कर चूर्ण है, ये सब आम पाचन के द्रव्य हैं, इनका प्रयोग करना है पेशेंट टू पेशेंट, कौन से कंडीशन में हिंगवाष्टक सूट करेगा कि नहीं। बहुत सारे लोग हैं उनको हिंगवाष्टक देने से जलने लगता है, तो उनको अनुपान बदल के, जैसे घी के साथ और तक्र के साथ हम लोग देते हैं, तो उनको हिंगवाष्टक चूर्ण देते हैं, या लशुनादि वटी, अग्नितुंडी वटी, अग्निकुमार रस, अग्नितुंडी वटी पित्त वालों को नहीं देते हैं। जो पेशेंट की अवस्था है, पेशेंट की प्रकृति है, उस हिसाब से आप आम का पचन करिए, और उसके बाद में विरेचन चिकित्सा देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको शुक्र क्षय बहुत ज्यादा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा पॉर्न वीडियोस देखा है, शुक्र का क्षय मास्टरबेट कर करके, अति स्त्री संग करके, और उनका क्षय हुआ है, और उसी तरह से HIV पेशेंट भी आते हैं हमारे पास, या TB के पेशेंट आते हैं, या फिर उनका बहुत ज्यादा मज्जा क्षय हुआ है, ऐसे क्षय का इतिहास है, शुक्र क्षय, अनुलोम क्षय, प्रतिलोम क्षय से हुआ है, और ऐसे में पेशेंट हमारे पास आ रहा है उसको पैरालिसिस हो गया है, स्ट्रेस की वजह से, बीपी बढ़ की वजह से, घबराहट की वजह से, तो ऐसे कंडीशन में रसराज रस उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर इसमें क्या होता है कि वृद्धत्व जनित अगर है, बुढ़ापा में अगर पैरालिसिस हुआ है उसमें भी धातुओं का क्षय हुआ है, या सर्व शुक्र क्षय संप्राप्ति है, मतलब पूरा शरीर में शुक्र ही नहीं है, पूरी तरह से शुक्र का क्षय हो गया, 100% तो नहीं हो सकता है, लेकिन जितना निकलना चाहिए उतना भी नहीं निकल पा रहा है, प्री मेजर इजेकुलेशन बहुत ज्यादा, उसको पैरालिसिस हुआ है। उसी तरह से हर्नियेशन हुआ है, वृद्धि जन्य कोई भी व्याधि हुई है, हर्निया हुआ है और उसको पैरालिसिस हुआ है, तो उसमें रस राज रस एक एक उंगली सुबह शाम दूध के साथ देना है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कफ का काल जो रहता है, जो रसायन का काल होता है, तो उसमें जैसे सुबह का टाइम रहता है, सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम रहता है, उस टाइम पे रसराज रस को देना है, और उसको देने के बाद दूध पिला के और अमृत प्राशावली देना है, अमृत प्राशावली दे के फिर दूध पिलाना है। इसी तरह से रसराज रस जो है वो टिपिकली कफज संप्राप्ति में और वात संप्राप्ति में काम करता है। रसराज रस जो है पैरालिसिस के लिए हम लोग पित्त संप्राप्ति में देंगे, तो बिल्कुल भी पित्त के लक्षण है, दाह पाक वगैरह हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, ज्वर हो रहा है, मूर्छा हो रही है, तो उसमें रसराज रस का उपयोग नहीं रहता है, केवल वात कफ संप्राप्ति में ही बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। इसी तरह से रसराज रस का सेवन करते हैं तो क्या फायदा होता है, तो भूख लगने लगती है, इसको रसों रस में जितने कल्प हैं उसका राजा बोला है, रसराज रस, इससे भूख लगने लगती है, चेहरे पे जो ऐसे बहुत ज्यादा ये पैरालिसिस होने से जो ऐसे रिंकल्स पड़ गए, चेहरा लूज पड़ गया है, वो ठीक होने लगते हैं, और काम की इच्छा बढ़ने लगती है उसी तरह से, लेकिन काम की इच्छा बढ़ रही है रसराज रस से, एक तरह से रसायन और वृष्य द्रव्य है, तो इसमें शुक्र का क्षय नहीं होने देना है। पेशेंट को बोलना है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, स्त्रियों से दूर रहें, स्त्रियों का मन में भी स्मरण ना करें, अपने को ठीक करने पर ध्यान दें, और उनको आचार रसायन बता दीजिए, उनको व्यायाम बता दीजिए, एक्सरसाइज बता दीजिए, स्पोर्ट्स चैनल देखने को बोलिए, मतलब माइंड को डाइवर्ट करना है, काम की इच्छा नहीं होना चाहिए, काम की इच्छा बढ़ रही है लेकिन माइंड को डाइवर्ट करना है। उसी तरह से अगर शोथ हो रहा है और पानी बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि पैरों में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, पीडल एडिमा है, और शोथ भी है, और उनको पैरालिसिस हो गया है, तो उसमें एकांग वीर रस, जब पैरालिसिस है और शोथ है, सूजन है, तो एकांग वीर रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हिस्ट्री ऐसा मिल रहा है, मैं अलग अलग कंडीशन में बता रहा हूँ, हिस्ट्री ऐसा मिल रहा है कि पित्त के लक्षण मिल रहे हैं, शीत पित्त है, उदर्द है, फिर शीत पित्त के सारे सिम्टम्स हैं, और ऐसा में पक्षवध हो रहा है, तो वात गजांकुश रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। हेतु बदला चिकित्सा बदली, मतलब वो देने से ज्यादा फायदा होगा जो मैं चिकित्सा बता रहा हूँ। हेतु हेतु हमेशा देखना है, और कौन सी व्याधि पूर्व व्याधि पहले कौन सी है, और उसके वजह से पक्षवध हुआ है, पूर्व व्याधि कौन सी है, प्रधान व्याधि क्या है, इसमें स्वतंत्र प्रतंत्र नहीं है, पूर्व व्याधि क्या है वो देखना चाहिए। उसी तरह से अगर हिस्ट्री में अल्कोहल ले रहा है पेशेंट और उसको पैरालिसिस हो गया है,
अल्कोहल लेते 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 बीपी बढ़ गया, उसका पित्त प्रकोपित हुआ और उसका पैरालिसिस हो गया। तो इसमें अर्धांग वातारी रस करके एक दवाई आता है, उसका प्रयोग करना है तो इसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से रसोन पिंड करके एक दवाई आता है, वो एक एक चम्मच सुबह शाम देना है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और रसोन पिंड कैसे बनाना है ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो जो येलो पंपकिन होता है, कोहड़ा जो बोलते हैं, पीला वाला जो रहता है येलो पंपकिन, वह लेना है। उसमें क्या करना है कि येलो पंपकिन में छेद करना है, छेद करके उसमें लहसुन डालना है, लहसुन को कूट के ऊपर का छिलका निकाल के कूट के उसका कल्क टाइप बना के और उसमें डाल देना है, और उसका जो येलो पंपकिन है उसको कवर कर देना है। और करने के बाद उसको अग्नि पे रखना है, जैसे चूल्हा का अग्नि जो रहता है मंद मंद अग्नि, डायरेक्ट नहीं जलाना है, तो उसमें वह पूरी तरह से लाल हो जाता है, या कोयले का जो अग्नि है उससे उसको एकदम लाल कर देना है। उसके बाद में जितना कोहड़ा है वो येलो पंपकिन है, उतना ही तिल का तेल, मतलब एक कढ़ाई लेना है और जितना कोहड़ा है हमारा येलो पंपकिन उतना ही तेल लेना है और उसको पकाना है। पकाने के साथ में फिर उसको निकालना है, एक तरह से सब्जी बन जाएगा कोहड़ा का, येलो पंपकिन का, और लेकिन तेल इसमें ज्यादा है और लहसुन भी ज्यादा है, लहसुन पूरा भरा हुआ है। इसको फिर लेके उसमें उसको कद्दूकस जैसे जैसे हलवा टाइप बनाना है, तेल ज्यादा रहना चाहिए। फिर उसमें दालचीनी डालना है, हींग डालना है, जीरा डालना है, त्रिकटू डालना है, पिपली मूल डालना है, धान्यक डालना है, इनका तड़का देना है, और इतना ज्यादा ज्यादा नहीं डालना है। ये सब प्रक्षेप द्रव्य है, तो तड़का डालना है, जिस तरह से छौंक डालते हैं, दालचीनी, हींग, जीरा, त्रिकटू, पिपली मूल, धान्यक, इनका तड़का डालना है घी का या तेल का। और फिर क्या करना है कि ये जब हम बना रहे हैं हलवा टाइप, तो इसमें जो छिलका है उसको निकाल के, और वो जो अंदर का जो भाग रहता है येलो पंपकिन का, उसका ये करना है, और फिर ये तेल में डुबा ही रहेगा, और जब भी लेंगे ना तो उसको थोड़ा थोड़ा सेवन करना है। तेल में तिल तेल का प्रयोग करें या फिर नारियल का तेल का प्रयोग करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका सेवन कराएंगे ना एक एक चम्मच सुबह शाम, 1-1 टीस्पून इसका सेवन करते हैं, तो जो लोग अल्कोहल लेने की वजह से जिनको पक्षवत हो गया, उनको रसोन पिंड से बहुत अच्छा फायदा होता है, या अर्धांग वातारी रस इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। कोहड़ा का जो तेल में इसलिए बनाया है, क्यों तेल इतना डाला हुआ है, जैसे हम लोग अचार बनाते हैं तो अचार में तेल, पहले के जमाने में सरसों के तेल में अचार रहता था, तो एक एक साल तक अचार खराब ही नहीं होता था, 10-10 साल तक खराब नहीं होता था। उसी तरह से यहाँ पे रसोन पिंड जो है वह कोहड़ा के उसमें पका के, पहले उसमें कोहड़ा में भर के, और उसके बाद में प्रक्षेप द्रव्य क्या डाले, दालचीनी, हींग, जीरा, त्रिकटू, पिपली मूल, धान्यक, इनका तड़का डाल के और तेल में डुबा के रखना है। एक तरह से कोहड़ा का अचार हो गया, और फिर इसका सेवन एक एक चम्मच सुबह शाम करते हैं। इसका बहुत लॉन्ग टर्म में भी यूज हो सकता है, और इससे अल्कोहल के वजह से जो पैरालिसिस हुआ है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर सामान्य चिकित्सा करना है, और पुराना क्रोनिसिटी जो थोड़ा कम हो गया है और फिर उसके बाद में बढ़ रहा है, कम होके फिर बढ़ रहा है, तो वृहद्वाज चिंतामणि रस 250 mg खाने के पहले देना है, योगेंद्र रस खाने के साथ में समान वायु पे करना है, मतलब वृहद्वाज चिंतामणि रस दो दो गोली 250 mg की मात्रा में खाने के पहले देना है, अपान वायु पे देना है, और योगेंद्र रस खाने के साथ में देना है, 2-3 ग्लास खाना खा के फिर योगेंद्र रस एक गोली खिला के इस तरह से खिलाना है, तो समान वायु पे काम होता है। तो यह अगर पुराना पैरालिसिस है और कम होके फिर सिम्टम बढ़ रहे हैं, एग्रेवेट हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से क्रॉनिक पैरालिसिस है और कफ भुष्टता बहुत ज्यादा है, कफ का सिम्टम बहुत ज्यादा दिख रहा है कि ठंडा लग रहा है, स्थैमित्य लग रहा है, ठंडे गले गीले कपड़े से लपेट दिया ऐसा हो रहा है, सर्दी खांसी जुकाम ये सारे सिम्टम सारे हैं, तो अदरक भस्म को विडंग का क्वाथ या एरंड के क्वाथ के साथ देना है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और दूसरा है लक्ष्मी विलास रस, हम लोग नारदीय लक्ष्मी विलास रस भी देते हैं, नॉर्मल लक्ष्मी विलास रस भी देते हैं, स्वर्ण लक्ष्मी विलास रस भी देते हैं, तो ऐसा प्रयोग करते हैं, तो कफ भुष्ट जो पुराना पक्षवत है उसमें बहुत अच्छा काम होता है। फिर एक कंडीशन है कि पक्षवत है और पेशेंट को गृदसी का इतिहास है, पहले भी उसको साइटिका का पेन था और बाद में उसको पैरालिसिस हो गया, ऐसा हिस्ट्री लेके पेशेंट आ रहे हैं, और वो पेशेंट जो है वो लंगड़ लंगड़ के चलते हैं, जिस तरह से साइटिका का पेन होता है, साइटिक नर्व कॉम्प्रेस हो रही है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, या कैसे भी इरिटेशन हो रहा है कॉम्प्रेस होने की वजह से, स्लिप डिस्क हुआ है या कैसे भी, वह साइटिका का पेन है, साइटिका की बीमारी हुई है, तो खंजनीकारी रस या मार्केट में मिलता है खंजनीकारी का रस है, उसमें कुचला थोड़ा सा मल्ल सिंदूर अर्जुन और एरंड इसमें डाला हुआ भी है, और इसका अगर थोड़ा सा काढ़ा के साथ में या ऐसे चूर्ण ऐसे भस्म के रूप में, कुचला एक चुटकी, मल्ल सिंदूर भी एक रत्ती आधा रत्ती, इतना बहुत कम मात्रा में,
अर्जुन 1 चम्मच और एरन 5 ग्राम, 5 ग्राम तक अर्जुन का चूर्ण और एरन 5 ग्राम, इतना सेवन करा दिया जाए तो पक्षवद में ऐसे कंडीशन में जो साइटिका का पेन है वो भी कम होता है और पेशेंट को जल्दी जल्दी रिलीफ मिलने लगता है। बाकी पैरालिसिस में आप पक्षवद में आप चिकित्सा करिए, पक्षाघाती दोषासन विरेचनम वो सब दीजिए, लेकिन इसका भी प्रयोग करने से और जल्दी फायदा होता है। यह व्याधि प्रतिनिक परफेक्ट दवाई है। जो हम जैसे बोलते हैं कि अर्जुन जो थे वो जब बाण मारते थे ना तो मछली के आंख पे लगता था, उसी तरह से ये सारी दवाइयां है ना परफेक्ट वो संप्राप्ति भंग करती है। इसी वजह से अगर पुराना वाला पैरालिसिस का बीमारी है, क्रॉनिक है, पैरालिसिस हुआ है, 10 साल पुराना है और पेशेंट को कफज प्रमेह भी हो गया है, तो एक नवग्रह रस आता है, वो एक एक गोली सुबह शाम दे तो पेशेंट की संप्राप्ति जल्दी भंग होगी, पेशेंट जल्दी रिकवर करेगा। इसी तरह से वात विकार है और पेशेंट को ऐसा डर लगता है कि पैरालिसिस ना हो, बहुत सारे वात विकार, ज्वाइंट पेन होता है, साइटिका होता है, और भी वात विकार होते हैं, ज्वाइंट पेन होता है, तो उसके अगर ना हो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो शिकाकाई वनस्पति होती है, जो अरिष्टक बोलते हैं जिसको शिकाकाई, उसका जो मूल से सिद्ध किया हुआ घी है वो अगर खिलाएं, या लोद्र का सिद्ध घृत है उसको अगर दे दिया जाए तो वात विकारों से पैरालिसिस नहीं होता है, वो प्रिवेंशन के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से आमवात है और आमवात के साथ में पैरालिसिस हुआ है ऐसा भी पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो महारसनादिक वात का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से अगर फीवर का हिस्ट्री है, फीवर है और उसको पैरालिसिस हो गया, फीवर के बाद पैरालिसिस हो गया, तो रासना पंचक क्वाथ का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, और सिंपल पक्षवद है तो रासना सप्तक क्वाथ इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से एक कंडीशन ऐसी आती है कि सिरा और कंडरागत वात के लक्षण बहुत ज्यादा दिखते हैं, मतलब सिराएं भी बहुत ज्यादा रुक्ष हो जाती हैं, शोष हो जाते हैं, कंडरा और स्नायु भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उसमें रौप्य युक्त ताप्यादि लो, क्योंकि यह रक्त का प्रसादन करने वाली दवाई है, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से आंखों में, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है या फिर कैसे क्या करना है वो समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कंडीशन है और पेशेंट ना डिलीरियम की कंडीशन में है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, भ्रम जैसे लक्षण है, और ऐसे कंडीशन है तो पंचामृत लौ गुल जो है, पंचामृत मतलब स्वर्ण चांदी ताम्र लौह, ये जो 5 धातुओं से बनाया हुआ पंचामृत लौ गुल है, इसमें सरसों के तेल की भावना दी जाती है और सारे बहुत अच्छे दिव्य धातु हैं ये डाला हुआ है। मस्तिष्क रोगाधिकार भेषज रत्नावली में पंचामृत लौ गुल का प्रयोग बताया है, महंगी दवाई आती है लेकिन इसका प्रयोग करने से वह आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है या कुछ कंफ्यूजन डिलीरियम है ऐसे कंडीशन में, और ऐसा पैरालिसिस का पेशेंट है तो उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कंप है, पैरालिसिस हुआ शरीर कांप रहा है बहुत ज्यादा, तो क्या करना है, श्यामादि कषाय करके भेषज रत्नावली में कंप रोगाधिकार, कंपवात रोगाधिकार में श्यामादि कषाय उसका प्रयोग करें, उसमें श्यामा मतलब श्यामा त्रिवित ये ऐसा काढ़ा बनाए वो बताया उसका प्रयोग करें, और कंपवातारी रस उसका प्रयोग करना है। इसी तरह से अगर पेशेंट चल नहीं पा रहा है और सूक्ष्म संधियों में उसको हालचल नहीं हो पा रही, छोटी छोटी उंगलियां वगैरह भी नहीं हिल पा रही है, ऐसा पैरालिसिस हुआ है तो रक्त पाचक मेदो पाचक विष तिंदुक वटी को क्रम से देना है, पहले रक्त पाचक दें फिर मेदो पाचक दें 7-7 दिन के बाद, पहले रक्त पाचक 7 दिन दें फिर उसके बाद में मेदो पाचक 7 दिन दें फिर विष तिंदुक वटी दें, तो सूक्ष्म संधियों में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पेशेंट को हाथ सीधा नहीं करने को आ रहा है और हाथ सीधा रखने को स्टेबल तक वो नहीं, बहुत देर तक नहीं रख पा रहे, तो माश सैंधव तेल से अभ्यंग कराना है, माश सैंधव तेल से नस्य देना है, माश सैंधव तेल से बस्ती देना है। उसी तरह से तेल द्रोणी में रखना है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से लेकिन हाथ फोल्ड नहीं होना चाहिए, हाथ खुला होके तेल द्रोणी में रखना है, हाथ सीधा होके तेल द्रोणी में रखना है। और इसमें क्या करना है कि पेशेंट का जब हाथ सीधा नहीं हो रहा है तो क्या करना है कि सेंधा नमक के जो पत्थर टाइप रहते हैं, खड़ा नमक जो बोलते हैं, उसको लेके हाथ में ऐसे बांध के और तब पेशेंट सोए ताकि स्वेदन हो उसका, तो उसका हाथ सीधा हो जाता है, यह अनुभव से हमको पता चला है। इसी तरह से मिरर रखना है पेशेंट को, अगर उसका एक साइड काम नहीं करे मिरर से बोलना है कि आप ना इस हाथ को चलाओ और फिर बोलो कि आप हाथ उठाओ, तो वो ना उसके दिमाग में ऐसा बढ़ जाता है कि वो ये हाथ उठा रहे, मिरर में देखते हैं कि उसका ये हाथ उठ रहे हैं, तो ऐसे जो साइकोलॉजिकली उसका लिम्बिक सिस्टम पे ब्रोकास एरिया में जो इफेक्ट आता है ना वो अपने आप हाथ उठाने लगता है, मिरर का जो ये है ट्रीटमेंट इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर नस्य दे रहे हैं तो नस्य में एकांतिक विरेचन नस्य कभी कभी देना पड़ता है, अगर कफ का संप्राप्ति है तो अपामार्ग तंडुल है
अपामार तंडुल अभी बारिश के सीजन में मिल जाएगा आप सब जमा करके सिद्ध घृत बना करके। अपामार तंडुल सिद्ध घृत या अपामार तंडुल का स्वरस और त्रिकटु इसको मिक्स करके देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, ये शिरोविरेचन करता है। अगर हमें ब्रिहण देना पड़ रहा है जब वात की संप्राप्ति है तो हमें मोचरस सिद्ध जो घृत होता है शाल्मली निर्यास को मोचरस बोलते हैं, तो मोचरस सिद्ध घृत मार्केट में भी मिलता है, आप लोग बना भी सकते हैं। या बला सिद्ध घृत जो होता है बलादि घृत उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से दोनों है संप्राप्ति, कफज भी है वायु की भी संप्राप्ति है, कफ भी है पूरा और वायु का भी सिम्टम दिख रहा है, तो पंचेंद्रिय वर्धन तेल का नस्य देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जीभ नहीं काम कर रहा है तो और आवाज बैठ गई है, पैरालिसिस में आप लोगों ने देखा हो वोकल कॉर्ड पे भी इफेक्ट आता है, आवाज नहीं निकल पाती है, वाक संग हो जाता है, जीभ भी काम नहीं कर पाता है। तो क्या करना है कि कल्याणक अवलेह करके आते हैं, एक अवलेह है जिसका नाम है कल्याणक अवलेह, उसको लेके ऐसे गोल गोल बना के और चूसना है, लार आने तक टॉफी की तरह चूसना है, जितना चूसेंगे उतना वो यहाँ की संप्राप्ति को भंग करेगा और वह बोलने में बहुत आसानी हो जाएगा। ऐसा प्रयोग में आया है, आप लोग भी इसका प्रयोग करें। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये 500 साल पुराने वैद्य लोगों ने इतने हजारों वैद्य लोगों को बताया। पुणे में बहुत सारे वैद्य हैं, हमारे जमदग्नि सर के 45,000 स्टूडेंट्स हैं, सब लोग इसका प्रयोग करते हैं, तो यह अनुभविक है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो 500 साल पुराना और इतने हजारों वैद्यों ने किया है, एकदम टेस्टेड फॉर्मूला है। उत्तर भारतीय लोगों को शायद मालूम नहीं है, कल्याणक अवलेह को चूसना है, लार की तरफ लार आते रहे, सलाइवेशन होते रहे, चूस चूस के उसको लेना है बहुत देर, भले 1 घंटा लगे चूस चूस के लेना है, तो उससे वाक संग और जीवा काम नहीं करे उसमें बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। जीवा काम नहीं करे लेकिन थोड़ा आप सोचेंगे कि जीवा काम नहीं करे तो कैसे ले, लेकिन उसको जीभ में रखना है और थोड़ा तो कोशिश करना है, वो जैसे जैसे जीभ का मूवमेंट होगा लार आते रहेगा वो निगलते जाना है, तो इससे जीवा का काम जो है जो जाड्यता है वह कम हो जाएगा और जो सिरा कंडरा स्नायु है यहाँ पर जीवा के आसपास उसमें बहुत ज्यादा बल मिलता है और वात के सिम्टम कम हो जाते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। वाक संग है, वोकल कॉर्ड भी बहुत ज्यादा ये सॉफ्ट हो जाता है। कल्याणक अवलेह के कंटेंट्स देखिए, मैंने एक लेक्चर लिया है यूट्यूब में आप देखिए, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वातज पक्षवद है, तो क्या करना है कि बला तेल को लेके और जीभ पे ऐसा मसाज करना है बहुत ज्यादा, और अगर पेशेंट मतलब वातज है तो जीभ पे करना है, बाद में जब जीभ हिलने लगता है तो वातज संप्राप्ति है तो कवल धारण करना है या गंडूज धारण करना है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से खुद का बोलना पेशेंट को सुनने को बोलना है, आप क्या करिए कि एक पेपर लीजिए और इसको ऐसे करके और बोलिए कि पेशेंट बोले, पेशेंट जब बोलेगा ना अपनी आवाज उसको सुनाने के लिए बोलना है, वो इतना शायद नहीं बोल पाए पैरालिसिस के, लेकिन थोड़ा भी आवाज तो निकाल रहा है ए ओ कर रहा है, उसकी आवाज खुद को सुनाना है। ऐसा करने से उसको कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, साधक पित्त जो है वो जागृत हो जाता है और पेशेंट को ना कॉन्फिडेंस आता है कि वो बोल पा रहा है, वो जिंदा है, वो ठीक हो सकता है। तो ऐसा करने से वातज पक्षवद में खुद की आवाज सुनाना है, कैसे भी सुनाइए तो पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। या फिर आप रिकॉर्डेड जो ये रहता है मोबाइल में उसकी वॉइस रिकॉर्ड करिए, पुराना आवाज अगर होगा वो सुनाइए, या अभी का भी आवाज ए वो बोल रहे हैं वो उसको सुनाइए, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। वातज पक्षपात में अपनी आवाज सुनने से एक तरह से ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है, इससे बहुत अच्छा गुड प्रोग्नोसिस होता है। इसी तरह से वातरक्त के लक्षण है और आमवाद के भी लक्षण है, और इसी तरह से पक्षवत भी हो गया है, पैरालिसिस भी है, वातरक्त भी है, आमवात भी है। तो क्या करना है कि करंज वनस्पति का मूल का कल कर लेना है और उसमें घी में डाल के और उसको ना नाखून के जो मूल है उसमें मसाज करना है, करंज के मूल का सिद्ध घृत है उसको नाखून के मूल में ऐसे मसाज करना है, और उसके बाद में उसको अंदर पूरी तरह से उंगली तक पूरा ऐसे मसाज करना है, करंज मूल से सिद्ध घृत, इसका प्रयोग करने से वातरक्त के जो सिम्टम है आमवात के सिम्टम है ये करंज मूल सिद्ध घृत से पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिल जाता है। जो जैसे मैंने बताया कि अर्जुन एकदम बाण मारते थे तो बराबर मछली के आंख पे टच होता था, लक्ष्मी मछली घूम रही है तेल के कढ़ा में देखे थे वो जब स्वयंवर हो रहा था और बराबर लगता था। इसी तरह से जो मैं व्याधि प्रतिनिधि बता रहा हूँ दवाइयाँ वो परफेक्ट लगती हैं, बाकी चिकित्सा आप करते रहिए। इसी तरह से पक्षवद है और अंग मर्द हो रहा है, बॉडी एक बहुत ज्यादा हो रहा है, तो क्या करना है कि उड़ीद का जो वड़ा होता है यहाँ महाराष्ट्र में बहुत चलता है, उड़ीद का जो पकौड़े टाइप जो रहता है घी में बना के तल के और वह खाने के लिए दीजिए, तो अंग मर्द जो हो रहा है बॉडी पेन जो हो रहा है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इस तरह से मैंने आप लोग को जो पक्षाघात है पक्षवाद के बहुत सारे अनुभविक योग बताने का कोशिश किया, यह मैं अपने सर के नोट से बता रहा हूँ।
आप लोगों को अगर नोट चाहिए तो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं धीरे धीरे पीडीएफ के सारे ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को वहाँ केस डिस्कशन के लिए भी मिलेगा, और आप लोगों को और ये सब आप लोगों के पास भी होना चाहिए ज्ञान। आप लोग भी हमारे साथ इंटरेक्टिव सेशन में आना चाहिए। जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं और जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, वो लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। उसके लिए मैं आप लोगों को अपना नंबर देता हूँ, वहाँ पे मैं लिंक दूंगा, आईडी और पासवर्ड, वो एक गूगल फॉर्म दूंगा, उससे आप लोग ना वो भर के आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से बताने का कोशिश किया, शायद आप लोगों को यह फायदा करेगा आपके प्रैक्टिस में। ऐसे बहुत सारा और भी है हमारे आदरणीय गुरुजी के नोट्स, मैं आप लोगों को आगे आने वाले टाइम में और भी शेयर करने वाला हूँ। रोज मेरा लेक्चर ये 7 बजे देखा करिए, आप लोगों को जरूर प्रैक्टिस में फायदा होगा। डॉक्टर MV सुशील सर प्रणाम सर नमस्ते, थैंक यू। डॉक्टर धर्मेश परेख जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं संत कबीर नगर के, आप हमारे उसमें सेशन में नहीं आ रहे सर, आपकी बहुत याद आ रही है, आप शायद व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं हैं सर, आप शायद बिजी चल रहे हैं। विकास जी आप आ जाइए। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रुति निगम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कुणाल यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उग्रसेन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, पूरा भारत के जहाँ जहाँ आयुष दर्पण के चिकित्सक हैं सब लोग ना बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, इसलिए प्राउड फील होता है हमेशा। डॉक्टर मनोज कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शुभा मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर लक्ष्मी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीपक निगम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर लक्ष्मी जी बोल रही हैं कि सर 40 ईयर लेडी है, हैंड्स में कंप होने लगा है, स्ट्रेस की हिस्ट्री है, फोन पे बात करते करते देर तक करें तब कम स्टार्ट हो जाती है, काफ़ी देर प्रेस करें तब अपने आप ठीक हो जाएगा। इसमें आप क्या दिए हैं, हरित की अजवाइन अश्वगंधा रिच दिया, आप इसमें नस से दीजिए मैम, नस से देने से कंप जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और पंचामृत लौंग घोल दीजिए, एकांग वीर रस दीजिए, एकांग वीर रस से थोड़ा ताकत आएगा वायु के सिम्टम को, मगर शीरभला तेल का नस से दीजिए या अणु तेल का नस से दीजिए, बहुत अच्छा ठीक होगा। और भी अगर कंप रहे तो कंप वातारी रस इसका प्रयोग करिए, रसराज रस इसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। और अजवाइन हरित की अश्वगंधा रिष्ट अच्छा है, लेकिन जो मैंने बताया वो भी देंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। डॉक्टर आशा मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अवनिंद्र जी नमस्ते प्रणाम आपको। सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, और जो भी चिकित्सक हैं वह बहुत अच्छा चिकित्सा कर रहे हैं, मुझे इतना प्राउड फील होता है। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी बोल रही हैं सर प्रणाम, वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू। सैटिका में खंजने रस रासनादि कषाय मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है, थैंक यू सर। मनीषा मैम ने देखिए अपना अनुभव बताया, यह सच में फायदा होता है, खंजनीकारी रस रासनादि कषाय का प्रयोग करने से साइटिका में बहुत अच्छा फायदा होता है, मैंने साइटिका प्लस पैरालिसिस पक्षवत ऐसा मैंने बताया। डॉक्टर अरविंद सर नमस्ते प्रणाम सर आपको, बहुत दिन के बाद है सर। डॉक्टर प्रज्ञा जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं अपना नंबर देता हूँ, आप मुझे मैसेज करिए, फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने। डॉक्टर सुनील जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पूजा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मधु मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्री कल्याण आयुर्वेदाश्रम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मिनल गुप्ता मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्मिता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नीलम मैम, अच्छा नीलम मैम आई हैं, नीलम मैम USA से प्रणाम आपको, थैंक यू थैंक यू। ये बोल रही हैं एवरीडे लिसनिंग योर लेक्चर, थैंक यू। डॉक्टर मनीषा जी बोल रहे हैं कुछ वैद्य बताते हैं अर्जुन कोलेस्ट्रॉल हार्ट ब्लॉक में नहीं देते, क्या यह सच है? जो लोग बोलते हैं वो लोग का अज्ञान है, अर्जुन कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते नहीं। आप दीप हम कभी भी चिकित्सा करते हैं ना, हम जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, फिर फर्स्ट गियर में लेते हैं, क्लच दबा के ब्रेक दबा के फर्स्ट गियर में लेते हैं, गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाते हैं, गाड़ी को आगे करते हैं, फिर क्लच को धीरे धीरे छोड़ते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड गियर में लेते हैं। तो हमारा आयुर्वेद का भी यही स्टेप है, पहले दीपन पाचन अनुलोमन, आप दीपन पाचन अनुलोमन दे रहे हैं उसके बाद अर्जुन देंगे तो कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेजेस में दे सकते हैं। अर्जुन अरिष्ट हम देते हैं, अर्जुन का चून डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं, या अर्जुन कषाय रसात्मक है लेकिन यह हृदय को बल दे रहा है। जब दीपन पाचन रस पाचक रक्त पाचक आप दे रहे हैं तो फिर अर्जुन को दिया जा सकता है, डायरेक्ट अर्जुन देंगे तो वह कषाय रस होने से कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप योजना करिए कि कषाय रस किस तरह से देना है, ठीक है?
तो फिर आपका कभी भी ये चिकित्सा आप उनको बोलिए हम दीपन पाचन अवलंबन करके दे रहे हैं तो अर्जुन सेफ है, और अर्जुना अरिष्ट अगर दे रहे हैं तो वो हर कंडीशन में दिया जा सकता है क्योंकि अरिष्ट है, सूक्ष्म स्रोतोगामी है, दीपन पाचन करता है। तो आप कोलेस्ट्रॉल में भी दे सकते हैं, ब्लॉकेजेस में भी अर्जुना अरिष्ट दे सकते हैं। अर्जुन त्वक का या छाल का प्रयोग करना है तो दीपन पाचन अनुलोमन करके देना चाहिए। डॉक्टर प्रज्ञा जी बोल रहे हैं यू आर टेकिंग टाइम टू एड्रेस एवरी वन विद पेशेंस, थैंक यू थैंक यू। वो तो मेरा आदत है, वो तो होना ही चाहिए ना। नीलम जी बोल रहे हैं कि बिजी सो नॉट कमिंग व्हाट्सअप। मुझे मालूम है नीलम मैम आप बहुत बिजी हैं, लेकिन हमारे लिए भी थोड़ा टाइम निकालिए, आप जब आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर श्रुति निगम मैम बोल रही हैं सुपरब लेक्चर सीरियसली, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर बी एन गुप्ता जी बोल रहे हैं आजमगढ़ व्हाट्सअप जुड़ना है, मैं आपको दे देता हूँ। डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी बोल रहे हैं पेशेंट कोचेस है, अल्कोहल और शूल है, तो इसमें आप राज मृगांक रस इसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। राज मृगांक रस, स्वर्ण सिद्ध मकर ध्वज, फिर स्वर्ण मालिनी वसंत, ये देंगे तो अच्छा होगा। शूल है तो लशुन आदि वटी, हिंगवादी चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, हिंगू वचादि तेल, इन सब का प्रयोग करें तो अवस्था के हिसाब से आप दे सकते हैं। क्वाचेस है तो राज यक्ष्मा की चिकित्सा है, उसमें आम पाचन वटी ये दीजिए और त्रिकटु चूर्ण दीजिए, शुंठी सिद्ध जल दीजिए, दीपन पाचन कराइए, मृदु अनुलोमन कराइए, तीक्ष्ण विरेचन निकराना। और अल्कोहल है, अल्कोहल का हिस्ट्री है तो उसमें आपको वो जो मैंने रसोन पिंड बताया लहसुन को कोहणा में डाल के उसका प्रयोग करें तो वो अल्कोहल जन्य संप्राप्ति में बहुत अच्छा, पैरालिसिस में बहुत अच्छा फायदा होता है। ठीक है, ये आबान खान जी ने कुछ तो लिखा है, बाबा समानी समस्या कैसे भी हो घर बैठे ही करें, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, मैं इनको इनका मैसेज को डिलीट करता हूँ। आप खान बाबा आप यहाँ पर आयुष दर्पण पे ये सब करने मत आइए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप केवल आयुष दर्पण पे आयुर्वेद की ही बात चलने दीजिए। ठीक है, आगे क्या लिखा है, चिराग त्यागी जी नमस्ते सर नमस्ते। डॉक्टर कुणाल यादव जी कुछ बोल रहे हैं, कुणाल यादव जी बोल रहे हैं सर धातुशय के बाद स्नायुवत एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की दवाई, एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है तो वहाँ पे पूरे जितने भी वर्टिब्राज है वो फ्यूज हो गए, एक दूसरे से चिपक के फ्यूज हो गए वहाँ पे, मतलब जुड़ गए, तो वहाँ पे कर्कटक सिद्ध तेल का बस्ती नस्य और अभ्यंग करते हैं हम लोग, और बस्ती नस्य इसका ही प्रयोग किया जाता है। और भी है बहुत सारी दवाइयाँ, आप मेरे को पेशेंट का बताएं, और एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में मेरा लेक्चर है उस पर आप देख लीजिए, अभी टाइम की कमी है, मैं पूरा इसको डिटेल में अच्छे से बाद में कभी बताऊंगा। ठीक है, डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आपको, क्या है आप लोग ना कोई व्याधि पे लेक्चर चाहते हैं तो आप डॉक्टर नवीन जोशी सर को मैसेज करिए, मैं उस पर और अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा। मेरा ऐसे लेक्चर है एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पे, लेकिन कोई भी व्याधि बताने के लिए टाइम चाहिए होता है ना, एक मिनट ऐसे चलते चलते थोड़ी ना बताएंगे, उसकी संप्राप्ति हेतु थोड़ा डिटेल में बताना पड़ता है। तो आप लोग जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं वो लोग ना मुझे मैसेज करिए, मैं आप लोग को लिंक दूंगा, और फिर डॉक्टर जोशी सर का मैं नंबर दूंगा, उनसे ज्वाइन हो उनसे कॉल करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और क्या होता है कि क्रिकेट खेलते हुए जब पवेलियन में जाके आप क्रिकेट देखते हैं लाइव तो कितना मजा आता है, और टीवी में देखते हैं उतना मजा नहीं आता। इसी तरह से आप जब इंटरेक्टिव सेशन में लाइव आएंगे, हमसे बात करेंगे, हमसे डाउट पूछेंगे, हम आपके सक्सेस स्टोरीज को सब जगह बात करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, तो इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, आपको सब फायदा होगा। तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। मनीषा जी बोल रही हैं मैंने खुद ज्वार एब्डोमिनल पे लूज मोशन में सुदर्शन चूर्ण सितोपलादी कुटस शंख भस्म नागरमुद्रा लिए पर सिंगल डोज में रिजल्ट में, बहुत बढ़िया बताया आपने मनीषा जी, प्राउड ऑफ यू, आप बहुत अच्छा बता रही हैं, बहुत अच्छा बता रही हैं। ठीक है, थैंक यू, अब हम कल मिलेंगे, अभी का मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ, 8:15 बजे जब लेक्चर होगा इंटरेक्टिव सेशन, तो सभी लोग आइए, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू।